वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टीवी पर दिल से स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 4। पहले 3 एपिसोड बन चुके हैं। एक बार यूथ मोबिलिटी स्कीम पर बना, एक बार टेंपरेरी वर्कर वीजा 2 साल का मिलता है, एक बनाया था, डिस्कस किया था कि ग्रेजुएट की जो स्कीम शुरू हुई उसके ऊपर। एपिसोड नंबर 4 है कि यूके में पीआर इजी है, टफ है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं थोड़े क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी टैब से भी लूंगा, जो आपकी कम्युनिटी टैब से पूछे हैं क्वेश्चन। तो गाइस प्लीज हो सके तो वीडियो को दिल खुल के लाइक करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन मैं लेकर भाजी के पास भाग कर रहा है। और मेरे पास 18 साल एक्सपीरियंस है एज ए फॉर्मर स्टूडेंट। ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई सॉलिसिटर, मैं शेयर करता जो मैंने खुद धक्के खाए। मैं तो गरीब माँ का बेटा, धक्के खाए, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा, चाहे इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके रगों में कोई सेम खून है। तो भाजी वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। थैंक यू सर। एपिसोड नंबर 4 में हम बात करेंगे पीआर यूके इजी और टफ। Yeah. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि बिजनेस इनोवेटर वीजा इजी है, कैसे मिलता है, और थोड़ा सा फटाफट बता दें कि क्या है। इट्स अ टफेस्ट कैटेगरी टू गेट इनटू अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल टैलेंट। ओके, सो इनोवेटर है, ये एक स्कीम है जो यहाँ आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि आपकी जो आइडिया है उसमें देश को बेनिफिट हो। जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप बनाई हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह की हो। साल में इसमें 10-11 ही वीज़ा लगते हैं। हाँ, वो आपको इंडोर्सिंग बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पुट योर मनी इनटू द बिजनेस। आपको कम से कम 50,000 pounds अपने खुद के लगाने पड़ते हैं। तो बाकी के फिर जो गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड इंडोर्सिंग बॉडी वो फंड करती है। तो 5 साल आपको फिर वही बिजनेस चलाना पड़ता है, कहीं और नहीं कम कर सकते। ये नहीं आप ओके शो कर दिए, जैसे हमारे पंजाब के लोग कहते हैं या इंडिया के लोग, शो मनी हो गई, पैसे लग गए, आप कम कितने और कर लें, वो चीज़ नहीं होगा। सो वो ये साल पर देखते हैं कि आपने वे स्कीम चला रही है, इज इट वायबल और नॉट। और अगर आप नहीं चला पाए, बिजनेस अंडर वीजा कैंसिल। सो इट्स अ टफेस्ट कैटेगरी। तो पांचवी, अच्छा, तो इसे 5 साल पीआर मिल जाती है, अगर 5 साल पीआर मिल जाए सेटल हो सकते हैं आदमी जी। ओके पाजी, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे पूछते हैं जो मेरे इस पर यूट्यूब पर गैटरी पूछते हैं, ग्लोबल टैलेंट वीजा कैसे मिलता है, इजी टफ है, और थोड़ा बता दो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की। सर इसमें आपको वर्ल्ड लीडर होना चाहिए आपकी फील्ड में। ओके, राइट। सो लाइक टॉप सिंगर, टॉप एक्टर। अभी इन्होंने ग्लोबल टैलेंट वीजे दिए हैं और मैं आपको लेवल बताता हूँ। जैसे मुझे एक मैसेज आया, शायद आप ही के भी बताए, सर मेरे 4 एल्बम रिलीज हुए हैं किसी सिंगर से, मैंने तो उसमें से कोई नहीं सुना जो था, ना ही उसका नाम सुना, कि मेरा नहीं कि मेरा फ्रेंड चाहता है मैं रेस्टोरेंट में आके शाम को उसके साथ गाने गाऊँ, मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा। मैं पहली चाल तो नहीं मिलेगा, तो क्या मुझे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मिल जाएगा? ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अभी इन्होंने दिए बियॉन्से को, जो आप शायद जानते हो, जेजी को, जेनिफर लोपेज को, और कुछ और एक्टर को। वो सर्च करते हैं गूगल में, हाँ, फेमस है। हाँ, ऑन दैट लेवल। सो दैट मींस यू हैव टू बी इन द टॉप योर कंट्री। इन इंडिया हु वुड क्वालिफाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीजा? प्रोबेबली द समवन लाइक सुनिधि चौहान, हिमेश रेशमिया, लता जी, अमिताभ बच्चन जी, सो अक्षय कुमार जी, हाँ, ऑन दैट लेवल। सो अगर आप उन पे लेवल पे हैं तो फिर जरूर अप्लाई करें, वरना प्लीज अपने आप को और गवर्नमेंट को शर्मिंदा मत करें। ये मिलता है अप टू 5 years का, एंड यू हैव टू बेस योरसेल्फ हियर। कोई साइंटिस्ट को मिलता है, रिसर्चर को मिलता है? हाँ, साइंटिस्ट को। आप कोई भी फील्ड में आप टॉप में होना चाहिए, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड आप वर्ल्ड में, जैसे कोई वर्ल्ड एमएफ हुसैन जी, जो आर्टिस्ट हो, या पेंटिंग में, यू कैन बी टॉप इन योर फील्ड, यू कैन बी अ टॉप साइंटिस्ट, यू कैन बी अ टॉप डॉक्टर, बट दे एंड दैट्स द टैलेंट दैट दे वांट टू अट्रैक्ट। यू कैन बी अ टॉप स्पोर्ट्समैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलेगा, ये लोगों को टॉप लेवल पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक लड़के ने पूछा बेचारे गुजरात में गे मैरिज के ऊपर, हमने लास्ट टाइम बात भी की, अच्छा तो आपने कहा था कि हमें किसी को भी डिस्क्रिप्शन करने का यूके में अलाउड नहीं है, करना नहीं चाहिए, गलत बात है ना, नहीं तो जो गे मैरिज यूके में है उसके लिए वो लड़का कह रहा है कि अगर मैं यूके आता हूँ, सपोज वो एग्जाम्पल किसी लड़के को डेट करता है, यहाँ पर चलती है हमें पता है, मैं भी सारे एड्रेस, तो क्या उसको जब वो गे मैरिज करेगा उस लड़के के साथ, क्या वो आपके पास आता है, तो आप क्या केस हैंडल करते हो गे मैरिज का? बिल्कुल। और क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको भी प्रूव करने बेचारे को? आई शुड नॉट से बेचारा, बट वो बेचारा साउंड्स लाइक ही इज लिटिल बिट नहीं, देखो बट वो देखो इंडिया में ये सब चीजें फ्राउंड अपॉन है ना, और ये सब चीजें आउटलॉड है, टबू सब्जेक्ट्स हैं, है ना। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे कोई बेचारा नहीं है सर। अगर इंडिया में भी आप बेचारे हो, यहाँ पे आपको फुल हक है, कानून आपसे एक ही नज़र से देखता है। हाँ, हमारे देशों में फ़र्क होता है गरीबी का, अमीरी का, स्पेशली जब कोई कोर्ट कचहरी जाता है, पैसा काउंट्स, दैट्स द सिस्टम वी हैव ग्रोन अप इन।
यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जो हक पैसे वाले को है वही हक आपके पास है एंड वो उसी नज़रिए से आपको अदालत देखती है। यहाँ पे गे मैरिजेस होती हैं, मेल गे मैरिजेस होती हैं, फीमेल गे मैरिजेस होती हैं, सभी तरह के केस किए हैं, आज से नहीं, मैंने तो की 16-17 साल से कर रहा हूँ। इंडियंस के भी किए हैं केस, नाम मत लेना, इंडियंस के ही कर रहा हूँ, इंडियंस के ही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो पाकिस्तानी हाँ करते हैं, बट इंडियंस का ही मैं, क्योंकि आमतौर पे मैंने इंडियंस की ही हेल्प की है, इंडियंस पाकिस्तानी मिल जाते हैं अगर वो जनरल मैरिज हो तो, और हम जब इंडियंस कहते हैं तो वी रेफर टू द वाइडर ऑडियंस, जैसे हम जब हाँ हम प्री पार्टीशन की इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ क्यों हम वहीं पे अभी स्टक हैं। यूके में तो वैसे एक बात बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात, यूके में इंडिया पाकिस्तान लोग बहुत प्यार से रहते हैं, भाई बहन, आप भी आओगे आप भी देखोगे बिल्कुल पाकिस्तान कुछ ऐसा डिफरेंस, इंडिया के जो मीडिया है वहां पर मीडिया डिफरेंस डालते हैं, यहाँ पर वी ऑल आर इक्वल। तो बात करेंगे हम उसी पर, अगर वो चलो आपके केस तो वो बाद में लेकर आएगा इन फ्यूचर में, तो क्या उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको शो क्या करना पड़ता है? उनको वही चीज, यहाँ पे शादी करने के लिए तो आपको 28 डेज नोटिस देना पड़ता है चर्च, हाँ रजिस्ट्री ऑफिस में, जरूरी भी नहीं चर्च में जाना, कई चर्च तो मानते ही नहीं ना इन चीज को, सो वो रिफ्यूज करेंगे, कई गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद भी नहीं अलाउ करेंगे ये चीज को। सो देखो रिलीजन को तो हम छोड़े एक साइड पे, पर जो कानून कहता है उसमें पूरा है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएं तो आप अपना मैरिज करवा सकते हैं वहाँ पे, सो यू कैन गेट मैरिड, 28 डेज नोटिस होती है। अगर आप वीजों पे हैं तो फिर इमिग्रेशन चेक करती है कि ये कोई शैम मैरिज तो नहीं है, तो हाँ तो उसमें हाँ तो उसमें वो पीरियड एक्सटेंड करती है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उनमें बहुत लोग पकड़े भी जाते हैं क्योंकि बहुत लोग इस रूट का गलत प्रयोग करने की कोशिश करते हैं गे मैरिज को। हाँ मैं भी क्वेश्चन पूछने जा रहा था आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो लोग ये फेक मैरिज चाहे वो गे हो चाहे ओपोजिट सेक्स मैरिज हो, तो इनको बताएं कि ये चीज ना करें, क्राइम अगर पकड़े तो सजा भी होती है, प्लीज थोड़ा सा बताएं आप। सर मैं डिटेंशन सेंटर जाता हूँ एक बार हफ्ते का, यहाँ पे डिटेंशन सेंटर है, क्या होता है मुझे बता, डिटेंशन सेंटर होता है एक कैंप होती है, जेल होती है, जहाँ पे इमिग्रेशन के जो कानून तोड़ते हैं उनको नज़रबंद रखा जाता है। अच्छा। तो वो बिल्कुल जेल की तरह होती है, बदतर हालात होते हैं, कच्चे आलू मिलते हैं खाने के लिए और कच्ची ब्रिड्डा, तो वहाँ पे ये रखते हैं, इसको डिटेंशन सेंटर बनते हैं, औरतों को भी मर्दों को भी, इवन फैमिली, जब मैंने शुरू किया था फैमिलियों को भी रखते थे, वहाँ पे प्लेग्राउंड भी बनाया हुआ था बच्चों के लिए कि तुम खेली जाओ पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, राइट। सो यहाँ ऐसे डिटेंशन सेंटर हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फेक मैरिज वाले ही हैं बैठे, क्योंकि ये पकड़ते आपको शादी वाले दिन है, ये आपको सब पूरा सच सजने देते हैं, आप सोते कि आप अपनी फेक मैरिज में कामयाब हो, तो आप जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं साइड डोर खुलती है, ये 3-4 इमिग्रेशन वाले आते हैं, कहते हैं ठीक है जी भाई अब हम आपको शगन देंगे, तो आपको वैन में बिठा के आपको ले जाते हैं, और इसकी कई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जो आप देखना चाहते हैं, आप गूगल करो शैम मैरिज, फेक मैरिज, होम ऑफिस या बॉर्डर फोर्स, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ बॉर्डर फोर्स ने दिखाया हुआ कि हम ऐसे पकड़ते हैं। तो ये सजा दोनों को होती है, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को भी होगी तो दूसरे आदमी को भी, ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन शैम मैरिज, तो सजा दोनों को ही होगी। सो उसमें अगर अगर फेक मैरिज पैसे दे के करवाने के लिए इलीगल है, तो पैसे लेके फेक मैरिज करने भी इलीगली है, उतनी है। सो अगर पैसा ना मिले वैसे तर्स खा कर भी तभी फेक इलीगल। सर जो चीज़ जेन्युइन नहीं है, जो आपने पूरी नहीं निभानी है, हाँ उसको फेक किया जाता है, उसमें कई बार कहते हो मैंने कौन से पैसे दिए हैं, मैं तो सिर्फ काम, और आप उसे काम करा रहे हो जैसे स्लेव फॉर 5 years, वो भी फेक ही है। सो हाँ सो दैट इज वाई इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग फेक हियर यू विल गेट कॉट, एंड उसमें सिस्टम टाइट होती है, और पहले तो था ये 14 दिन का नोटिस होता था शादी के लिए, इन्होंने 28 दिन तक ताँ किया क्योंकि सिस्टम अब्यूज़ कर रहा था, और इमिग्रेंट्स के लिए 70 डेज कर दिया। तो अब पहले ये था कि इमिग्रेशन को बताना ज़रूरी नहीं था रजिस्ट्रार को, अब कोई भी इमिग्रेंट शादी करने के लिए जाता है इट्स मैंडेटरी, रजिस्ट्रार मस्ट टेल इमिग्रेशन ऑन द सेम डे ये आदमी था, इसके पास पासपोर्ट ये है, ये यहाँ पर रहता है और ये शादी करवाने के चक्कर में, इसको परमिशन दें या ना दें। और कई बार इमिग्रेशन फेयर शादी से पहले ही वहाँ पे 6 बजे कुंडा खड़का देती है और कहते हैं आजा भाई आजा तेरी शादी हम करवाते हैं, मेल फीमेल दोनों का ना यहाँ पर भी। यस यस डेफिनेटली इट्स बिल्कुल गलत थिंग टू डू। तो गो बैक टू मेन क्वेश्चन, मैरिजेस होती हैं गे मैरिजेस भी बिल्कुल होती हैं, जेन्युइन हो जेन्युइन। सर मैंने बहुत जेन्युइन केस किए हैं, गे मैच अप्रूव होते हैं, इंडेफिनेट हो गए, अब भी साथ में है, पासपोर्ट है, अब भी साथ में रह रहे हैं, बिकॉज दे जेन्युइन कपल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद एनीथिंग लाइक दैट, अपना लाइफ स्टाइल है किसी का, सभी को हक है कि अपना लाइफ स्टाइल आप अपनी मर्जी से जियो, बस एक चीज़ है किसी को मत
दुख दो, हाँ उस लाइफस्टाइल के साथ, एंड टू पीपल लिविंग टुगेदर इज देयर चॉइस, देयर चॉइस। भाई वन थिंग इज वेरी गुड, आई थिंक आप भी एक सॉलिड बोल खोल कर बोलोगे अच्छी है भाई, यहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेशन करना उसके रेस पर करना, रंग पर, चाहे वो विषय व्हाइट भी हो, किसी को सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं या किसी रिलीजन, ये क्राइम है ना, यू कैन बी सैक फ्रॉम जॉब सर। आप कास्ट पे भी यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सुन लो बताओ, कास्ट पे, सब कास्ट पे भी नहीं कर सकते, इंडिया में तो पूरा कास्ट सिस्टम से होता है डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे नहीं हो सकता। और इंडिया में ये होता है कि हाँ लिखती में कह सकते कि नहीं होना चाहिए, पर होता है प्रिंसिपल में, यहाँ पे दोनों चीज़ें अलाउड नहीं है, कास्ट पे, नस्ल पे, रंग पे, आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, मेल फीमेल जेंडर पे, अब रेस रिलीजन धर्म पे, आप किसी को नहीं मैंने कल ही एक वीडियो देखी और मैं आपको भेजूंगा वो वीडियो, नाम में नहीं लेना, वहाँ पे एक इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा गया, तो होम ऑफिस वालों ने पकड़ा उसको और उन्होंने साफ कहा तुम्हें तुम्हारे फेसबुक अकाउंट से हमने पकड़ा, तो और उसके फेसबुक अकाउंट का भी उसने नाम फेक दिया था तब भी पकड़ लिया कि उन्होंने ईमेल एड्रेस से पकड़ा। आप ये गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हो, ये गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करती है, ये डेटाबेस बनाती है आपको ट्रैक करने के लिए और ढूंढने के लिए स्पेशल। सो आप ये सोचें, इवन ये लोग आपको जैसे पटिशन साइन कर रहे हैं, है ना, कच्चे लोग पटिशन साइन कर रहे हैं, तो उनको वहीं वो तो गवर्नमेंट तो कहती है थैंक यू कि यू आर प्रोवाइडिंग योर ईमेल एड्रेस एंड योर आईपी एड्रेस। और जो लोग टेक्नोलॉजी आईटी में हैं, जो आपका शो अभी देख रहे हैं, उनको ये टर्म्स मालूम होगा, उनको मालूम होगा कि हम एक ईमेल से किसी को ट्रैक कैसे कर सकते हैं उसको। आप जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाके अपना ईमेल डाल देते हो तो तुरंत एक हफ्ते के बीच बीच में आपको कितनी ईमेल्स आती हैं आपके एरिया में कि ये रेस्टोरेंट है नज़दीक आपके एरिया में, ये शॉप्स हैं, तो आप पूछते हैं कि आप सोचते हैं कि इनको कैसे मालूम है मैं हंसलो में रहता हूँ, इनको कैसे मालूम है मैं वेस्ट ब्रॉम में रहता हूँ, इनको कैसे मालूम है साउथ हॉल में रहता हूँ। वो ईमेल एड्रेस से ही ट्रैकिंग होती है, क्यों, उसी ईमेल एड्रेस के साथ आपके फेसबुक अकाउंट होते हैं, आपके स्नैपचैट होते हैं, इंस्टाग्राम होता है, और ये जो टिकटॉक होता है, सब कुछ उसी ईमेल एड्रेस से, आपके लोकेशन ट्रैकर्स ऑन होते हैं, एंड दिस इज द गवर्नमेंट, दे कैन ट्रैक एनीथिंग। आई थिंक मैं पाँच एक चीज बताऊँ, जब मैंने यूट्यूब खोला था, मेरा ना इंस्टाग्राम हैक कर लिया था, मेरे से यूट्यूब बनने कर लिया था, तो मैंने उनको पब्लिकली फिर वीडियो बन में कहा देखो आप हैक कर रहे हो, यूके बहुत बड़ा क्राइम है किसी के पर्सनल फोन में घुसना, पता नहीं दिस इज बस, और अगर आप सोचते हो कि मैंने वीपीएन घर लगाया, आईपी एड्रेस छुपा ली, ऐसा नहीं, ये शायद ये तो स्कॉटलैंड वाले यार्ड रहे, तो इनका काम डेली काम है, दो मिनट पढ़ लें। तो गाइस भाई जो कह रहे हैं, किसी को भी तंग करना यूके में, चाहे वो आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप ट्रैक हो जाओगे, आपको लगता है कि नहीं, इवन कि अगर बहुत ज्यादा करोगे आपको इंडिया से भी ट्रैक कर लेकर आ सकते हैं, अगर आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर गाली दे दी यहाँ पर, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड जैसे सर सर, वो बात छोड़ो, आप जो किसी का फोन नहीं कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो ना, वो भी क्राइम है। अच्छा, हाँ, आपको पहले बताना पड़ता है कि दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड, एंड फिर उसकी मर्जी है, उसकी इजाजत के बिना आप किसी का, जैसे मैं आप फोन पे हूँ तो मैं रिकॉर्ड बटन दब दूँ, क्राइम है, क्यों मैंने आपको बताया नहीं, पूछा नहीं, दैट्स व्हाई व्हेन यू कॉल अ बैंक या कोई गवर्नमेंट सिचुएशन, तो वो वहां पे मैसेज आता है this call may be recorded for training purposes, है ना, if you don't want it then hang up। In India में क्या होता है, बात करते खुलकर थोड़ी सी बात, इस पर थोड़ा different topic, चल बहुत अच्छी बात, ये भी PR का एक point है, PR के लिए कौन से चीज़ consider करनी चाहिए। हम इंडिया में क्या करते हैं, ऐसे कोई दुश्मनी होती है, हम क्या करते हैं वीडियो बनाए यूट्यूब डाल देते, बदनाम करते, यूके में क्राइम हो गया ना, आप किसी की वीडियो डाल दें सर, कोई defamation है ना, सब किसी के, मेरे साथ खुद हुआ है, सो मेरे साथ तीन टाइम पे, एक तो किसी अखबार ने मेरे आर्टिकल्स चुरा के आप में छाप दिए, वो कहते हैं ये तो अपने हैं, तो मैं चलो वो प्ले, वो प्लेजरिज्म हो गया, है ना। दूसरा बात है, एक रेडियो स्टेशन ने नाम मत लेना, नहीं, किसी ने वहाँ पे जाके मेरे बारे में कुछ गलत बोला, मैंने फिर वो रेडियो स्टेशन पे केस किया ऑफकॉम थ्रू, तो वो रेडियो स्टेशन के मालिक को खुद आके वहाँ उसी रेडियो स्टेशन पे माफ़ी मांगनी पड़ी, और फिर मेरे पास आके चिट्ठी भी लिखनी पड़ी माफी की। मेरे साथ एक टीवी प्रेजेंटर ने एक बार एलिगेशन लगाए, गलत लगाए जो एलिगेशन थे, उसको फिर मैंने कंप्लेंट किया ऑफकॉम को, उसके एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, हाँ, सैक दे दिया,
पहली बात। दूसरी बात है ऑफकॉम ने कंप्लेंट अपहोल्ड की मेरी, उसके टीवी मालिक ने मेरे दफ्तर आके मुझको चिट्ठी भी दी और हाथ जोड़ के गया। इतना बड़ा टीवी स्टेशन का मालिक जो करोड़ों के पाउंड में खेल रहा है, तो पैसा नहीं सर पैसा। माफी मांगने में के लिए रोल्स रॉयस में आया, वो मेरे पास कटारा थी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इज्जत की भी बात असूल की है सर, कानून की है, बात कानून की है। और वो अब तक भी अपोलॉजी इंटरनेट पे कोई भी सर्च कर सकता है, और मैंने वहाँ दीवार पे चिपका के लगाई हुई है कि ताकि अगर बोलना है, अगर देखो अगर आप सचमुच मर्दानगी दिखानी है या नहीं, फोन बनी आप हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, अब सामने आमने सामने बात करो, कैमरा ऑन कर देते हैं, पब्लिक को डिसाइड करने देते हैं कि कौन सही है कौन गलत। यह बात है, पर हाँ, ये जो पीठ पीछे करते हैं ना लोग, वो वही करते हैं। और जो ये जो अननोन आईडी, फेक आईडी, अननोन अकाउंट ट्रैक हो जाती हैं, सभी होती हैं ट्रैक, सभी होती हैं। मैंने क्लाइंट सर्विस से अपने बात की, उनको लगा वो कहते हैं वीपीएन में ट्रैक कर लेते हैं, कहते हैं हमारे पास इतनी पावर है हम किसी घर में जाकर लैपटॉप भी सील कर सकते हैं अगर मर्डर केस चल रहा हो तो। सर सस्पिशंस हो, यूके पावर के तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को शक है इस फोन पर, पुलिस के पास पूरी पावर है कि दे कैन कम एंड दे कैन टेक माय फोन अवे फ्रॉम मी विद इन रीजन। मैं आपको बताता हूं कि अब जो अभी 4 हफ्ते हुआ है, लड़का पकड़ा गया कच्चा, तो पुलिस ने पकड़ा, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मेरे पास है नहीं, वो तो मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया। उन्होंने फ़ोन उसका देखा, उसका अनलॉक कर दिया फ़ोन उन्होंने, कि उनके पास सिस्टम होता है, उसमें पासपोर्ट की फोटोकॉपी निकल आई। वो कहते चल रहे, और 2 हफ्ते बाद उसको डिपोर्ट कर दिया। सो इसमें आप जो है आप ये है, आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। आप इन चीज़ों से तभी बच सकते हैं अगर आप करो ही ना, करो ना। हाँ, कंट्रोल योर टंग, नहीं कोई पसंद आती उसको, उस आदमी को छोड़ दो, मूव नजरबंद। ये लोग कमेंट करते हैं इंडिया में चलता है, इंडिया में जो मर्जी गाली दे दो किसी को, सर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर घर से पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सर इंडिया में चलता है बिकॉज उनके वहाँ पर कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। देयर इज अ रूल फॉर एवरीथिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिटन रूल सबके लिए है, पर उसमें कोई इन्फोर्समेंट ही नहीं है और कोई चलता ही नहीं, कोई उदाहरण नहीं करता उस पर। सो उसमें दे है, यहाँ पे तो जो रिटर्न है वहीं पे चलते हैं। ओके, तो सॉरी फॉर टॉपिक बड़ा हो गया, तो मैं लास्ट अगला कुछ पूछूंगा, जो इन बच्चों का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, चाहे वो होता है स्पॉस पर होता है इंडिया में, चाहे वो स्टूडेंट होता है, कितने चांसेस होते हैं कि जब वो रिव्यू करते हैं दिल्ली बैसे लेते हैं कि अप्रूव द्वारा करते हैं? राउंड अबाउट 1 in 10, अबाउट 10% चांस है। अभी मैंने एक रिव्यू किया, वो सक्सेसफुल हुआ। हाँ, बट उसमें यह है कि मैंने देखे हैं कि लोगों ने बार बार रिव्यू डाले और कुछ बने नहीं। सो उसमें से इससे बचने के लिए यही है कि आप पहले अवेयर हो जाओ, कि आप अपने एप्लीकेशन पहले से तैयारी से करो। सो लोग अब हमारे पास आते हैं, सो हम पहले से उनको तैयार कर देते हैं कि ये आपका वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, यहाँ से रिफ्यूज़ल है, तो तब कहते हैं हाँ इसमें से रिफ्यूज़ल हो सकता है। आपका हमारा जॉब जो होता है ना, होता है कि एक केस को ऐसा मजबूत बनाओ कि उसमें कोई शेद नहीं होना चाहिए। सो हम जब देखते हैं केस को, मैं देखता हूँ, जैसे मैं खुद इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, तो उसमें देखते हैं ये यार गलत है, ये यार गलत है, ये यार गलत है, और हमारा जॉब है फिर उसको सील करना गलत को, ताकि कोई उसमें छेद ना रहे और पानी बाहर ना निकले। गुड, सो अगला क्वेश्चन, बच्चे पूछते हैं हाउ टू फाइंड टियर 2 स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन यूके, कैसे फाइंड? देयर इज क्वाइट अ फ्यू वेज। द बेस्ट वे इज टू वेयर यू आर वर्किंग, इफ यू आर बीइंग वर्किंग देयर फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो किसी अरसे से, तो किसी वक्त के पीरियड के लिए, तो आप जो चाहता है कि आपने एम्प्लॉयर से कहो कि सर मेरा आप टियर 2 वीज़ा लगवा दो, आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। वो देखेगा कि उसमें उसको फ़ायदा है या आपको फ़ायदा है, आर यू वर्थ इट और नॉट। सो उस पर कंपल्शन तो नहीं है, पर इफ जैसे हमारे पास अब आते हैं टियर 2 लाइसेंस लेने के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं, कोई उसका रिलेटिव होता है वो भी ठीक है, पर कोई होता है कि हम बिल्कुल कोई नाता नहीं होता, पर कहता है लड़का अच्छा है, साल से हो गया काम कर देना, इस पे सर पे मेरा बिजनेस चल रहा है अभी, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, ये 6 बजे शॉप खोलता है, 10 बजे बंद करता है, इसके लिए मैं वर्क परमिट कराने के लिए तैयार हूँ, हजार 10 क्या चाहिए। सो उसमें केस काफ़ी आ रहे हैं। बेस्ट चीज़ इज़ टू आस्क योर एम्प्लॉयर वेयर यू आर वर्किंग, इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल देन यू नीड टू फाइंड अ जॉब विच समबडी ऑलरेडी हैज़ अ लाइसेंस और इज़ विलिंग टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, पर ये खुद आपको ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम इंडिया की सोच लेके आते हैं, हमारी सोच लेके आते हैं कि नहीं जुगाड़ से हो जाएगा, पैसे से हो जाएगा, वो एक्चुअली नहीं बनता यहाँ पे, और वो फेल होता है। और यहाँ जैसे शैम मैरिजेस की हमने बात की है, यहाँ पे एक और कैटेगरी शैम जॉब क्रिएशन, और उसमें से काफ़ी वर्क परमिट अब मैंने देखा पिछले 6 महीने में रिफ्यूज़ हुए हैं कि ये तो बनावटी जॉब है, बनाई गई है तुम्हारे अंकल ने आपको सिर्फ रखने के लिए। सो ये भी इन लोगों को इन्होंने सेक्शन रखा है
वर्क परमिट में रिफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। वेरी गुड। तो जो आपने कहा टियर टू स्पॉन्सर से कोई कोई टेक अवे शॉप इजी मिल जाता है टियर टू स्पॉन्सर उनको, टेक अवे शॉप को मिल जाता है, ग्रोसरी शॉप को मिल जाता है, रेस्टोरेंट, होटल, वेयर हाउसेस, हमने अभी फिजियोथेरेपिस्ट को दिलाया है, डेंटिस्ट को दिलाया है, सो बहुत आईटी कंपनीज को दिलाया है, एंड देयर आर बहुत लॉट्स ऑफ कंपनीज हु कैन गेट टियर टू। प्रीटी मच नियरली एवरी बिजनेस एट द मोमेंट इज ओपन, बट जॉब जो वो स्किल की हो। सो अगर आप कह रहे हैं कि झाड़ू लगाने के लिए हमको चाहिए, वो कहेंगे दैट्स नॉट इन द स्किल, या मुझे कोक के टोकरे रखाने हैं, कैंस रखाने हैं शेल्फ पे, दैट्स नॉट अ हाईली स्किल्ड। स्किल्ड ये मानते हैं मैनेजमेंट जॉब को। सो पीपल फ्रॉम हु हैव डन एमबीएस, दे कैन स्विच इनटू एनी मैनेजमेंट जॉब, बी एट अ मैनेजमेंट ऑफ अ बुटीक, बी एट अ मैनेजमेंट ऑफ अ शॉप, बी एट अ मैनेजमेंट ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, बी एट मैनेजमेंट ऑफ अ फैक्ट्री और वेयर हाउस, दैट इज मैनेजमेंट लेवल। हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं कम तो आप लेबर वाला करना है, तो दैट्स नॉट व्हाट स्किल्ड वर्कर इज फॉर। हाँ ओके, तो ये बात हो गई। अच्छा, जो पीआर जो बेबी बॉर्न है उस पर कैसे मिलती है, थोड़ा सा बताएंगे? जब बेबी पैदा होता है यूके में तो उसको अपने माँ बाप की नेशनलिटी मिलती है। ओके, सो अगर हम दो कच्चे बच्चा पैदा करें तो हमने फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बताया, कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा इक्वल वो भी कच्चा। Okay. हाँ, सो इसमें ये है कि बच्चा भी आपका यहाँ पे बिना वीजे के पैदा होता है। कितने साल रहना पड़ता है यहाँ पे? रहना पड़ता है बच्चे को 7 साल के लिए, फिर वो पक्का नहीं होता, उसको वीजा मिलता है, बच्चे को मिलता है। हाँ, बच्चे को मिल जाता है और उसके माँ बाप को मिलता है, तो अगर अगर बच्चा उस वक्त 18 के नीचे हो। अगर बच्चा 7 साल का, मतलब अभी 7 साल का हुआ, पैदा हुआ है, तो बच्चे को पासपोर्ट कौन सा मिलता है उस टाइम? इंडियन मिलता है। अच्छा, हाँ, दैट्स राइट। सो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर बच्चा यहाँ पे पैदा होता है और 10 साल आपने पहले जिंदगी के गुजार ले यहाँ पे, देन ही इज एलिजिबल फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। अच्छा, हाँ, माँ बाप ने गुजार ली, इवन इलीगल भी गुजार ली। इवन इलीगल भी आ गया इसमें। सो इसमें कई लोग ऐसा करते हैं। पीछे 2-3 साल पहले एक केस हुआ था जिसको स्टेटलेस कहते हैं, उसमें से एक लूप होल निकल आया था जिसमें उसके फायदे से कि जो इंडियन लोग हैं ना, कि वो अपने बच्चों को स्टेटलेस कह देते थे कि हमारा बच्चे का तो कोई नागरिकता ही नहीं है, ना वो इंडियन ही नहीं है, तो जज ने उसको अपहोल्ड किया था। वो रूट 5 साल के स्टेटलेस में आ गया था। इस मार्च में प्रीति पटेल ने उसको बंद कर दिया, उसका अब्यूज़ का, कि वो कहती थी कि इस ये रूट इंडियंस अब्यूज़ कर रहे हैं। सो इन्होंने ये रूट बंद कर दिया। अब वह फिर 7 साल का ही हो गया जो वीज़ा। 7 साल बच्चे कितना फिर वीज़ा मिलता है? 2.5 साल का। तो फिर पीआर का बच्चे को मिलती फिर कितनी बार? 2.5 साल उसको रहना पड़ता है पीआर मिलती फिर? 10 साल के बाद, पर 4 बार लेनी पड़ती है। तो इसका 17 साल बाद उसको पीआर मिलेगी ना? नो, पर अगर वो यहाँ पे पैदा हुआ है फिर उसको 10 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाएगी। जो बच्चा अब इंडिया से आया हुआ है, फर्ज करो बच्चा इंडिया से आया हुआ है, 2 साल का है वो, है ना, तो वो जब 9 का यहाँ होगा तो फिर उसको हम अप्लाई करेंगे 7 साल के केस में। ओके, जरूरी नहीं कि उनके बच्चों के लिए जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ इंडिया से आए हुए वो भी हैं। सो 7 साल उसका, 9 साल का हो गया, उसको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा। वो 10 साल की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज वो यहाँ पैदा नहीं हुआ, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए ही यहाँ पैदा हुआ है। सो उसको 4 बार वो 2.5 साल के, 17 साल उसको फिर 19 का जाके होगा। यस, एग्जैक्टली। तो जो बच्चा यहाँ पर पहले दिन से है वो 10 साल ब्रिटिश पासपोर्ट ले जाएगा, यहाँ पे पैदा हुआ है। यस, 10 साल में। तो थैंक्स वेरी मच, आपने बहुत बड़ा क्लियर किया। एंड लास्ट एंड फाइनल, इस पीआर में क्या टूरिस्ट का कन्वर्ट होता है वर्क वीजा में? नो, टूरिस्ट वीजा किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होता। नहीं कन्वर्ट होता। गाइस, ये था आज का एपिसोड। हमने काफी सारी बातें की, पीआर यूके में इजी है कि टफ है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिस्कस किए। पाजी ने खुलकर बताया कि आपको कौन से पॉइंट कंसीडर करने। कोई भी आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद खुलकर नहीं बोलता है। यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी तरह का, चाहे साइबर क्राइम है, चाहे रेसिज्म है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन है, आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते और यूनिक बैंक के साथ घपला नहीं कर सकते। अगर कर लिया तो आपको कोई भी वीजा नहीं मिलना है। और प्लीज, अगर आप यूके आते फोन लेते हैं, आईफोन हमारा मन लालच करता है, तो इसकी पेमेंट आपने टाइम पर देनी, आपने अपना क्रेडिट स्कोर खराब नहीं करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड नंबर 4। अब पाजी से एपिसोड नंबर 5 पूछते हैं। तो गाइस, जाते टाइम वीडियो दिल खोल के लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। बात करने का मन करता है इंस्टाग्राम पर से आइडियल गैरी कुमार है, एक और चैनल गैरी बैक पर कर यूरोप के, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, आई सी नेक्स्ट वीडियो। ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ रहे खुश रहे, बाहर रहे और मेरी नई वीडियो की वेट कर, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।